देर आर मैनी वेज टू मेक अ रिक्वेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा तरीका है इंग्लिश में अगर कहना हो कि ज़रा खिड़की बंद कर दो तो आप ये भी कह सकते हो क्लोज़ द विंडो आप यह भी कह सकते हो कैन यू क्लोज़ द विंडो प्लीज़ आप ये भी कह सकते हो विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़ आप ये भी कह सकते हो कुछ यू क्लोज द विंडो आप यह भी कह सकते हो डू यू थिंक यू कैन क्लोज द विंडो आप ये भी कह सकते हो आई वंडर इफ यू क्लोज द विंडो आप ये भी कह सकते हो वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो यू सी रिक्वेस्ट करने का इतना तरीका है लेकिन इसमें से कौन सा आप पिक करोगे डिपेंड करता है कि किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो अगर मैं अपने छोटे भाई से कह रहा हूं तो मैं यही कहूँगा कि क्लोज द विंडो मैं कैन यू क्लोज द विंडो भी यूज़ कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं अपने किसी अंकल से कह रहा हूँ तो मैं क्लोज़ द विंडो यूज़ नहीं करूँगा मैं कहूँगा यू क्लोज़ द विंडो प्लीज़ अगर मैं अपने दोस्तों में हूँ तो कह सकता हूँ कैन यू क्लोज़ द विंडो प्लीज़ अगर मैं अपने सुपरवाइज़र मुझसे ऊपर जो है रैंक में उससे अगर बात कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो तो इस तरीके से पोलाइटनेस का रेंज चेंज हो जाता है लेकिन है सब रिक्वेस्ट मैं आपको एक दो सिचुएशन देता हूँ आप मुझे बताओ आप क्या कहोगे सिचुएशन है कि आप अपने टीचर से कह रहे हो कि कुछ देर के लिए आप मेरा बुक पकड़ लेंगे क्या कहोगे दूसरा सिचुएशन ये है कि आप अपने क्लासमेट से कह रहे हो कि मेरा प्रोजेक्ट में हेल्प कर दोगे दो रिक्वेस्ट तीसरा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने अंकल से कि आप बाहर जा रहे हैं तो मेरा ये लेटर पोस्ट कर देंगे अगला रिक्वेस्ट आप कर रहे हो अपने सर्वेंट से आप कह रहे हो कि बाहर जाओ और दूध लेकर आओ कैसे रिक्वेस्ट करोगे आप गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो बाय